करूंगा। प्रॉमिस। देबू आप भैया का ख्याल रखना हाँ, मेरी देबू बहुत स्ट्रांग है। मेरी बुडली, मेरी बुडली। तो हम जा रहे हैं इंजेक्शन लगाने। अच्छा हाँ, तो डर भी लग रहा है मुझे, तो कैसे लगाएंगे इंजेक्शन? कबूतर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। फिर ऋतु, मुझे इंजेक्शन लगेगा तो मुझे क्या करना है? पापा, तुमको इंजेक्शन लगेगा तब मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ मेरी बुडली, बुडली स्माइल क्यों निकल ली? चलो कोई बात नहीं, है ना। अच्छा रोहित, दोनों का ख्याल रखना, ठीक है ना। क्या बन रखा आज? ये क्या है? दाल दुकान। किस चीज की दुकान वाली दाल? ठीक है, ये दुकान वाली दाल है। और ये दुकान वाला भात। अरे मेरा कैमरा। पापा रुको, अन्ना की हार भी लगना, मम्मी का हार भी लगना। ठीक है दाबू दाबू। तो हमने सोचा था कि सबसे पहले जाएंगे, लेकिन या तो हम सबसे लास्ट में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा मैं बहुत तगड़ा नाश्ता करके जाऊंगा बस। अरे तगड़े के चक्कर में हो गए हम लेट। अरे स्टाइल में चलो ना, थोड़ा स्टाइल, हल्का शर्माओ। हाय हाय, मैंने हंसने के लिए नहीं बोला था। राशि हाँ? तो चुटकुला सुनाओ ना। सुनाओ। एक बार पब्लिक टॉयलेट पे लिखा था कि लोग चांद पे पहुंच गए, तुम यही बैठे हो। तो पप्पू ने अपना दिमाग लगाया और वहाँ पे लिख दिया कि चांद पे पानी नहीं था इसलिए मैं नीचे आ गया। बकवास। आप ये बकवास भी सुना दो, ठीक है? देखो यहाँ पर किसी और की साइकिलों को चलाया जा रहा है और बच्चे आप घबरा गए। हाँ अच्छा सुनो, एंजॉय तो कर सकते हो तुम, लेकिन कभी भी बाइक की और कारों की हवा नहीं निकालना, और जो दोस्त ऐसा करेगा उसको भी मना करना, ठीक है? जब भी हम किसी को देखेंगे साइकिल या बाइक की हवा निकालते हुए तो हम उससे मना करेंगे। यस, है ना, गलत बात होती है ना। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इमरजेंसी भी होती है, कोई किसी की कार बाइक होती है, कोई बीमार होता है घर में, उसको ले जाना होता है, और अचानक से हवा ना रहे, बाइक किसी ने तोड़ दी हो, तो कितनी दिक्कत हो जाती है। बाय बाय। बाय बाय। कहाँ थे आप अभी तक? कुछ बच्चे ना बैठे हुए थे तो उनको समझा रहा था। बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ बहुत जरूरी है यार, यहाँ पर ना आसपास पंचर उंचर ठीक करने का नहीं होता है ना। हाँ। मैं मानता हूँ कि सभी मम्मी पापा को, जितने भी मम्मी पापा हैं बड़े, उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए जब भी वो स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, कि बाहर ऐसी शरारतें ना करें जिनसे कि पब्लिक को दिक्कत हो बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। तो मैं रुद्रांश को, देवांश को चीज़ें समझाऊंगा, और मस्ती करनी चाहिए। बच्चे मस्ती ना करें तो कौन करेगा? हाँ ये तो है, मस्ती करनी चाहिए, लेकिन मस्ती ऐसी कि किसी दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। हाँ, और इसी स्कूल को देख के ना अपने बचपन की याद आ गई। अच्छा, पढ़ते थे। अभी बड़ी, तुम बड़ी हो गई हो है? यहाँ पर लगेगा ना। चलो ऑनलाइन भी स्लॉट बुक कर देंगे ना यहीं पर। ये ना स्लॉट बुक कर रहे हैं, और जब स्लॉट बुक होगा तभी हमको इंजेक्शन लगेगा। मतलब इंजेक्शन लगाने से डर नहीं लगता, जो बारी आ रही होती है ना, नंबर आ रहा होता है जो, उससे थोड़ा घबराहट होती है। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। चलो मैं तो लाइन पे लगा हुआ हूँ, तो मुझे इंजेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है मम्मी। बस बस करे। अरे तो सिंपल था यार। बस देंगे। ऐ तो अच्छा से वाली है। सिंपल ही था। सच बताऊँ बिल्कुल पता भी नहीं चला, ऐसा लगा किसी ने ना हल्का सा पिंच करा हुआ है। अब रात के पता चलेगा अगर बुखार आता है या नहीं आता है, देखते हैं। वैसे तो कभी घबरा रहे थे आप? घबराहट के आगे ही जीत है पगली। माउंटेन ड्यू पिया है कभी? पिया है? इस स्कूल को देख के ना अपने बचपन की याद आ गई। हम नाइन्थ में थे और हम यहाँ भोजन माता थी ना, वो हमको ना चुरा चुरा के चावल खिलाती थी। ऐसे नहीं। जूस ले जाते हैं और टकाटा गए। दादी कौन सा जूस देना? कोई सा भी दे दो दादी, वो है बासमती चावल। कितने? 10 किलो का है। 5 किलो वाला है? हाँ। नहीं अभी पीने के लिए, वो छोटा छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों शाम को घायल पड़ जाएंगे तो क्या होगा? घायल शेर ज्यादा खूंखार होता है। तब तो आपकी खैर नहीं है, शेर नहीं और ज्यादा खूंखार होती है। चल रोड पे फैशन शो करे करे। शर्माओगी तो नहीं? चल बाल बनाते बनाते तू बस चलती रहे, तेरा ध्यान चलने में होना चाहिए। अभी जो है हम फैशन शो जो है वो पानी में करने जा रहे हैं, पानी का स्टंट है ये। बढ़िया से आना और बिल्ली जैसे पैर रखना, ठीक है? बिल्ली जैसे। रुको mm-hmm.
पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लागी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। बारिश बारिश बारिश, यहाँ बारिश हो जाती है हर बार। अरे क्या बात है मेरे तीनों हीरे। तो जब हम मार्केट से आए वैक्सीन लगा के, तो रोड पे फैशन शो करके हाँ मतलब वही। और फिर रुद्रांश और देवांशी भी सो रखे थे, तो हमने भी आराम किया। उसके बाद देवांशी को भुट्टा इतना पसंद है ना कि इससे जरूर छीनो। दे 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 दे। देवांशी को भुट्टा बहुत पसंद है। तो ये देखो कौन आया है, ये फिर से भैंस का दूध लेकर के आए हैं, और यहाँ से गाय का दूध ले जाएंगे। आज नहीं शर्मा रहे आप? रोज भी शर्मा, एक दिन ही आती है। आदत पड़ गई है, अब तो आदत सी हो गई है। मेरी शाली है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरी बहन है वो भी। ये गांव की सिस्टर है राशि की, मतलब एक ही गांव के हैं ये, तो ये मेरी शाली है। शाली शाली। यस, अब मैं भात दाल खाने जा रहा हूँ। वैसे ये इवनिंग टाइम हो रहा है चाय का, लेकिन बहुत भूख लग गई है। दिन में मैंने खाना नहीं खाया था, जब हम मार्केट से आए थे तो मैं सीधा आराम करने लग गया, और फिर इंस्टाग्राम पे लाइव भी आ गया। क्या बाहर कोई गिर गया? क्या बाहर कुछ गिरी है? आई थिंक फोन गिरा है किसी। और यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये आईफोन की टॉर्च। आईफोन 11। और मैं सोच रहा हूँ आईफोन 13 मैं लूँ। आइए मेरे को दे दे। ओ भाई मेरी चुन्नी। देवांशी मुझे दे रही है भुट्टा। अरे ये इसने कदम रखा, इसने कदम रखा रखा ना इसने। अरे मेरी बुडली। तो ओ माय गॉड कब बोलते हैं? अरे बोल दो तो, ओ माय गॉड कब बोलते हैं? क्या यार तुम भी आप गूगल में लेंगे हमने क्या लगना तब तक ले भाई। लव यू। घूम जाना क्या बात है, आजा पास घूम जा। अरे घूम जा, मैं तुझे हिंट दिया घूम जा। नहीं ज्यादा तेज नहीं घूमना, दारू पी रखी है क्या? नॉर्मल घूम। रम पियो भूल गया सारे गम। आना पास आना, आती रहती चलती रहे, मैं कभी ना कभी तो शॉट आएगा। चुन्नी को उड़ा, वैसी रख चल पैर, वैसे मैं थोड़ी जान लेंगे, वैसे रख ड्रेस बिल्ली रखती है। हाँ मुंडी तो उन्हें फर्क कर दिया दोबारा से करने से।